फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर का बहुत सारा वैकेंसी आता रहता है। अगर आप चाहे तो बहुत ही आसानी से इस काम में गल्फ की कंट्री में आ सकती है। अगर आप ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, आपके पास ज्यादा हायर स्टडीज नहीं है, आपने पढ़ा लिखा किया नहीं है, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिस कंट्री गल्फ कंट्री चाहे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान या फिर यूरोप कंट्री में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर आने का सपना देखते हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे काम के बारे में बताऊंगा जो काम आप सीख के बड़ी आसानी से जिस कंट्री गल्फ कंट्री में आ सकते हैं या फिर यूरोप कंट्री में भी आप आ सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ बाइट पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त सैयद अनिसुर रहमान। दोस्तों मैं गल्फ रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हर जॉब का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों जो बंदा पढ़ा लिखा है, एडुकेटेड है, जिसके पास हायर स्टडीज है, टेक्निकल स्किल है, उनको मालूम रहता है किन से कौन सा फील्ड में जाना है, कौन सा काम करना है, कैसे पैसा अर्न करना है। लेकिन उन बंदों के लिए कोई नहीं बताता जिसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, जिसके पास हायर स्टडीज नहीं है, जो एडुकेटेड नहीं है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप चाहे इस काम को सीख के बड़ी आसानी से जिस कंट्री गल्फ कंट्री में किसी भी जगह, चाहे सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो या यूरोप की किसी भी कंट्री में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। इन काम को आप सीख के बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से गल्फ की कंट्री में आ सकते हैं। अभी आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे इस काम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इंडिया में या पाकिस्तान, बांग्लादेश में, हर कंट्री में, हर सिटी में, मैं इंडिया का बात कर लेता हूँ, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में बहुत सारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फॉर्कलिफ्ट का ट्रेनिंग देता है। ज्यादा दिन का कोर्स भी नहीं रहता या आप एक ही महीने में आप सीख के लाइसेंस मिल सकता है आपको। या दोस्तों आप इन सब इंस्टीट्यूट में आप कोर्स करके आप गल्फ की कंट्री में आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मुझे वीजा कैसे मिलेगा। दोस्तों इसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इनका वैकेंसी शेयर करता हूँ, वो भी जेन्युइन ऑफिस में, जहाँ से बहुत सारा बंदा गल्फ की कंट्री में आके अभी तक जॉब कर रहा है और बहुत सारा बंदा इंटरव्यू दे रहा है। उन्हीं ऑफिस का मैं बात करता हूँ जो पुराना है, 30 साल 35 साल से काम कर रहा है और मेरा दोस्त लोग भी बहुत सारा जो गल्फ की कंट्री में आया है। मैं भी खुद इंटरव्यू देके गल्फ की कंट्री में आके जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अगर आप चैनल पे अगर विजिट कीजिए, बहुत सारा वीडियो इसका रिकॉर्डिंग है, गल्फ करने का रिकॉर्डिंग है, आप किसी भी फील्ड में हो आपको इनका वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फॉर्कलिफ्ट का अगर वीजा आपको चाहिए होता है तो आपको क्या करना है, आपको मुंबई में जाना है क्योंकि मुंबई में बहुत सारा जेन्युइन कंसल्टेंसी है, या फिर मुंबई में एक पेपर पब्लिश होता है जिसका नाम है असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स, जहां पे बहुत सारा इसका वैकेंसी निकालता है। तो आप मुंबई जाइए, वहां पे बहुत सारा ऑफिस है, वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पे आपका सीवी या रिज्यूम जो होता है आप जमा कीजिए और बात कीजिए कि मुझे फॉर्कलिफ्ट के काम में जाना है, आपके पास वैकेंसी आता है तो आप बताइए। और इनका वैकेंसीज जो है मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन पे जुड़ जाइए क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको तो ऑलरेडी वैकेंसीज मिलता रहता है। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि आपको इस काम में आने के बाद क्या करना होगा। या दोस्तों इस काम में आप आते हो, आपका काम रहता है लोडिंग अनलोडिंग का। ये जो काम है फॉर्कलिफ्ट का, ये अपने आप पे एक राजा है क्योंकि इस काम के बिना हर काम रुक जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन काम है लोडिंग अनलोडिंग। कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, जिसको ज्यादा वेट हो उसको आपको लोडिंग करना पड़ेगा। जब ट्रक से कोई मटेरियल आता है उसको आपको इस गाड़ी से, इस फॉर्कलिफ्ट से आपको नीचे उतारना है और आपको मैनेज करके रखना है।
फिर आपको जब कुछ मटेरियल आपको फिर उसमें कार में डालना है, ट्रक पे डालना है, तो आप मेनली जो काम है लोडिंग अनलोडिंग का काम रहता है, और बहुत ही आसान काम रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड वर्क रहता है। इसमें आपका जो ड्यूटी आवर्स रहेगा आपका 8 घंटा बेसिक रहेगा, 4 घंटा जो ओवर टाइम रहेगा। जैसे दोस्तों आपको जो सैलरी है, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी है, सैलरी आपको मिल जाएगा 2,000 से लेके 3,000 तक आपको सैलरी मिल जाता है, जो इंडिया का करेंसी में 40 से 60 थाउजेंड होता है, 40,000 से 60,000 तक होता है। अगर आप 2 साल पुराना हो जाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस जब हो जाएगा आपका सैलरी बढ़ने लगता है और अपने आप इसको बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको इस काम में आना है तो आप मुंबई जाइए जहाँ पे बहुत सारा कंसल्टेंसी है, या फिर मेरे चैनल पे जुड़ जाइए जहाँ पे मैं वैकेंसी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खुदा।